Hey friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Hello friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, today I am going to teach you about the English of बहुत. दोस्त, बहुत के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करते हो आप? Many, much, large amount of, lots of, a lot of, क्या? आप बहुत के लिए आपने इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत किया होगा, बहुत सारे सेंटेंसेस में किया होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या आपने सही तरीके से बहुत के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल किया है कभी? शायद करते भी होंगे और शायद कभी कभार गलत भी करते होंगे. तो चलिए हम आज वही सीखते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. Friends, come and learn something new. Okay, friends, come. बहुत का अंग्रेजी English में बहुत का अंग्रेजी बहुत होता है, यानी कि बहुत सारे वर्ड हैं जो बहुत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं English में. तो उन बहुत सारे words को हम आज एक एक करके समझते हैं कि क्या है वो words. तो पहला words है many. मैनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. और एक बात आपको बता दूं कि ये जितने भी हैं सब प्लूरल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होगा, सिर्फ मच को छोड़ के. मच में तो प्लूरल होता ही नहीं है, जैसे कि उसमें सिर्फ क्वांटिटी होती है मच में, बाकी सब में प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम बहुत का ये. तो मैनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, जैसे मैनी बॉयज, मैनी चेयर्स, मैनी वुमन्स. तो ये मच का इस्तेमाल दूसरे नंबर पे. मच का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन क्या है आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हम किसी की गिनती नहीं करते हैं, गिनती करके नहीं बताते हैं, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड, मच का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे. अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है वो आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है फ्रेंड, अ लॉट ऑफ, lots of, a good deal of, a heaps of, इन सब का इस्तेमाल countable और uncountable noun दोनों तरह के noun के साथ करते हैं हम. किसका इस्तेमाल? A lot of, lots of, a good deal of and a heaps of. दो इन सब words का इस्तेमाल बहुत के लिए हम countable noun और uncountable noun दोनों तरह के noun के साथ करते हैं. ठीक है friend? अभी अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ, इसका इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. आप इन सब चीज़ों को लिख लेना और इसको याद रखना, ऐसे सुन के याद नहीं होगा. अपने हम जब तक वीडियो, कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं किसी चीज़ सीखने वाली चीज़ को, तो ऐसा लगता है हाँ 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 ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, हाँ ये तो हाँ सही है, आता है ये, मतलब समझ में आ गया. बस जैसे हम वीडियो बंद करते हैं फिर बाद में हम भूल जाते हैं कि कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किसके साथ क्या बोला था, उसके साथ क्या बोला था, ये सब हम भूल जाते हैं. इसलिए इसको लिखकर और एक बार थोड़ा रिवीजन करने की ज़रूरत होती है. फिर एक बार आपके माइंड में, दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर कभी भूलोगे नहीं आप. बस रिवीजन करने की ज़रूरत है. अब ये अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, इसका इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. जैसे अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बहुत के लिए ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल हम किस तरह के नाउन के साथ करते हैं. अब हम एक एक करके सेंटेंसेस के द्वारा हम समझेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं कि बहुत के लिए जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं. आइए तो इन सेंटेंसेस पर एक बार आप अच्छी तरह से नज़र डालिए. मैं एक एक करके इसको रीड करता हूँ, आप समझते जाना. जैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं. पैसे क्या चीज़ है? अनकाउंटेबल नाउन में इसको रखा गया है, हालांकि हम इसकी गिनती करते हैं फिर भी इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा है इंग्लिश वालों ने, पता नहीं क्यों. तो आप समझ लो
तो आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, इतना आप ध्यान रखना, आई हैव मच मनी कभी नहीं होगा, दिस इज द रॉन्ग। बोलचाल में लोग बोलते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है, इट्स ओके, इट विल डू, इट डज, बट दिस इज रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग। सो आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव मच मनी क्यों नहीं होगा? अब आप बोलेंगे कि मच का भी तो इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, तो मच और मैनी का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ नहीं करते हैं। मच और मैनी का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ जब करते हैं तो उसमें हम उसका जुड़ाव मीन्स सब्जेक्ट के साथ होता है। अगर हम सब्जेक्ट के साथ मच और मैनी का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, दिस इज़ राइट, बट हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के साथ मच और मैनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आप अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है फ्रेंड्स। हम वैसे सेंटेंस भी हमने नीचे लिख रखा है, वो बताएंगे। उसके पास बहुत गायें हैं, यानी बहुत सारी गायें हैं, तो ही हैज लॉट्स ऑफ काउस। यहाँ पर हम लॉट्स ऑफ लिखेंगे, मैनी काउस नहीं लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम ऑब्जेक्ट के साथ मैनी का इस्तेमाल और मच का इस्तेमाल नहीं करते, सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉट्स ऑफ लिखेंगे, लॉट्स ऑफ हम कहीं भी लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में भी और काउंटेबल नाउन में भी, इसलिए आप लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करो। बहुत लड़के मैदान में हैं, मैनी बॉयज आर इन द ग्राउंड। देखो यहाँ पर आप मैनी का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ हुआ है, दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बट यहाँ पर मैनी का इस्तेमाल हमने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैनी और मच का इस्तेमाल करते हैं तो वो सब्जेक्ट के साथ करेंगे न कि ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है फ्रेंड। तो मैनी बॉयज आर इन द ग्राउंड, ये सब्जेक्ट के साथ मैनी का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, तो मैनी बॉयज आर इन द ग्राउंड। बहुत लड़के गए हैं, यानी कि कोई पूछा कि वहाँ कितने लड़के गए हैं, तो बहुत लड़के गए हैं, बहुत लड़के गए हैं, मतलब यहाँ पर मैनी बॉयज हैव गोन मीन्स बॉयज के साथ मैनी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बिकॉज बॉयज इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ हम मैनी और मच का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे न कि ऑब्जेक्ट के साथ। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसको याद रखना, भूल जाते हैं लोग। बहुत सी किताबें अच्छी हैं, तो बहुत सी किताबें, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ मैनी लगाया हमने, मैनी बुक्स आर गुड। यहाँ पर हम लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ आप कहीं भी लगा सकते हैं, बिंदास लगाओ, फ्रैंकली विदाउट एनी हेजिटेशन, लॉट्स ऑफ बुक्स आर गुड, मैनी बुक्स आर गुड या लॉट्स ऑफ बुक्स आर गुड। क्या मेरे पास बहुत दूध है? हाँ, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सामान्यतः जनरली हम मैनी और मच का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो यहाँ पर हैव आई मच मिल्क लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इट विल डू, इट इज राइट। क्या मेरे पास बहुत दूध है? हैव आई मच मिल्क, ठीक है फ्रेंड। बाजार में बहुत आम है, देयर आर अ गुड डील ऑफ मैंगोज इन द मार्केट। यहाँ पर हम द गुड डील ऑफ की जगह पर लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो एनी प्रॉब्लम, आप बिंदास लगाओ लॉट्स ऑफ। बट आपकी जानकारी के लिए मैं इन सब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो, तो देयर आर अ गुड डील ऑफ मैंगोज इन द मार्केट। मैंने बहुत पानी पी है, तो आई हैव ड्रंक अ लॉट ऑफ वाटर, आई हैव ड्रंक अ लॉट ऑफ वाटर, आई हैव ड्रंक मच वाटर नहीं लिखेंगे, इट विल बी रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग। बोलचाल में बोलते हैं लोग, चलता है, भाषा क्या है, लोगों ने बनाया है, लोग ही बोलते हैं, वही बोलते जा रहे हैं, वही बदलते हैं, वही बदलाव लाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको लाते हैं, पुराने शब्दों को पास आउट और नए शब्दों को एंट्रेंस, मीन्स बोलचाल में कुछ भी चलता है। बोलचाल हम बोलते किस लिए हैं? एक दूसरे से
वार्तालाप यानी कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए तो चलता है, बट अगर ग्रामेटिकली आप बोलने जाएंगे कि मैं सही से ही बोलूँ, अच्छी तरह से बोलूँ, तो ये इस तरह से होगा कि आई हैव ड्रंक अ लॉट ऑफ वाटर, उसी तरह से वह बहुत पानी पी सकता है, तो ही कैन ड्रिंक वाटर, ही कैन ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर, ही कैन ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर, ही कैन ड्रिंक मच वाटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लॉट्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से लिख लेना नोटबुक में और एक दो बार ऐसा रिविज़न कर लेना, रिवाइज कर लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस एक बार समझ में आ जाएगा, फिर उसका आप इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करते रहोगे फिर कभी नहीं बोलोगे, पक्का हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड, तो आप इनको अच्छी तरह से लिख लेना, बस आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं अपने नए फ्रेंड्स से कहना चाहूँगा जिन्होंने आज ही हमारा वीडियो खोला है, ओपन किया है और आज ही देख रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा हो, आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपको फ़ायदा है इसमें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन दोस्तों को दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त हमारे रोज़ का क्लास अटेंड कर रहे हैं और हमारे क्लास से सीख रहे हैं कुछ, उनको बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन फ्रेंड्स, शिकायत है एक आपसे हमारी कि आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताओ मुझे, तभी तो मुझे पता चलेगा, उसके हिसाब से मैं अपनी टीचिंग्स में सुधार लाऊंगा या कुछ ऐड करूंगा, कुछ और ऐड करना है, क्या करना है। एक दो लोग सिर्फ कमेंट करते हैं, उससे क्या होता है, आप देखो, मैंने आपसे कहा ना, आप देखो, रोज़ क्या देखो, आप इंग्लिश सीखोगे, ज़रूर सीखोगे। ठीक है फ्रेंड, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।